स्टार्ट कर। तो आपको शायद पता होगा कुछ लोग यहाँ पे हैं अभी। गुड इवनिंग। तो आपको कल पता होगा, कल नीट का पेपर हुआ है। किसी ने देखा नीट का पेपर कैसे आया, क्या आया? आज सब लोग आप आए थे, आप लोग कल कम आए थे इसलिए मैं आज आई नहीं। कल आप लोग कम थे, चार पांच लोग आएंगे तो ऑनलाइन थोड़ी होगा, फिर तो ऑफलाइन ही आना है। तो सबको आना है, जितने नाम दिए हैं एटलीस्ट ऑफलाइन के लिए सबने आना है, तभी जाके ऑफलाइन क्लास होगी। और मैं चाहती हूँ ऑफलाइन आओ, क्योंकि आज का जो पेपर था मुझे नीट का पेपर डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। तो आज अगर हम ऑफलाइन लेते तो बहुत अच्छी बात है। कितने लोग आए आज ऑफलाइन क्लास में? कितने लोग आए ऑफलाइन क्लास में आज? थर्टीन, बहुत ज्यादा आया आज तो। देखते नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास देखते उसको। तो आज शायद आपको पता होगा कल नीट का पेपर हुआ है। कौन सा पेपर? नीट का पेपर है। इतना तो याद है ना कि कौन से पेपर हो रहे हैं अभी, नहीं हो रहे। तो आप लोगों का ऑलमोस्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट तीन चैप्टर बाकी है हमारे। कौन कौन से चैप्टर बाकी है? एक चैप्टर हमारा बाकी है अमाइंस, जो हम स्टार्ट करेंगे आज, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बाकी तो ओवरऑल चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो कल जो नीट का पेपर था, आप लोगों ने देखना चाहिए था, बहुत इजी पेपर था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिनको नीट देनी है अगले साल, ठीक है, जिनको मेंस देना है, ऑलमोस्ट सेम ही था पेपर। तो नीट का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहले आज हम नीट का पेपर डिस्कस करेंगे। आप देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन है ये तीन चैप्टर छोड़ के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपको आ जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है, थोड़ा भी आपने केमिस्ट्री की तरफ ध्यान दिया है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, और जल्दी से हम नीट का कल का पेपर पहले सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम जल्दी से अमाइन भी स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा पेपर था यहाँ पे कल का? नीट 2021। आई होप सब लोग मुझे आंसर करें। नंबर वन, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो अच्छा होगा। वन मिनट। नंबर 50 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट वन दिया हुआ है। That is the statement one. और statement one दिया है acid strength of acid strength increases in the order given as in the order given as HF, HCl, HBr, या यहां पे दिया हूं HR, यहां पे दिया हूं HMR, और यहां पे स्टेटमेंट नंबर टू दिया हुआ, स्टेटमेंट टू दिया हुआ।
स्टेटमेंट टू दिया हुआ है एज द साइज ऑफ द एलिमेंट एज द साइज ऑफ द एलिमेंट साइज ऑफ द एलिमेंट क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF HCl HBr and HI decreases and so the acid strength and so the acid strength increases acid strength increases option diye hai a statement 1 is incorrect but statement 2 is true Option B. Both statement 1 and 2 are correct. मैं shortcut में लिख रही हूँ. Number C. Both statement are false. And option D. Statement 1 is correct. And second is false. ये मैं फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हूँ. मतलब क्वेश्चन लिखने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा तो ये मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ. सबने ओपन करना है और उसी से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है चल ये क्वेश्चन लिखा है मैंने पढ़ के बता रही हूँ फिर से. एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज एच आई एच बी आर एच सी एल एच स्टेटमेंट टू इज एज द साइज ऑफ द एलिमेंट chlorine chlorine bromine iodine increases down the group the bond strength of hf hcl hbr hi decreases and so the acid strength increases ye hum padhe hain p block element ye humne padha hai p block element mein acidic strength bond strength kya ho sakta hai iska answer mineral option b both are correct ओके सूरज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज ट्रू. सूरज गलत नहीं हो रहा है दोनों स्टेटमेंट अच्छे से देखो. चलो जाइए जल्दी जल्दी. आदेश अभय सूरज अभी मुझे बताओ एसिड स्ट्रेंथ यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ द एलिमेंट इसका एक्सप्लेनेशन इसने दिया है द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस. क्या फ्लोरीन टू आयोडीन साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है. द बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी यहाँ पे? डिक्रीज होगी. जितना साइज बढ़ेगा उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी. ठीक है. एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होगी तो यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस सीधा सीधा दिया यहाँ पे.
सॉरी यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ पूछा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं पूछा है सूरज, मैं भी कंफ्यूज, यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ पूछा। अरे भाई ये साइज देखो, यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, इजीली हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है और इसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो बोथ आर करेक्ट रहेगा। सबने आंसर देना है, अगर पेपर डिस्कस कर रही हो तो सबके सबसे आंसर आने चाहिए, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, ये पढ़े हैं हम लोग। ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ पूछा है सूरज, ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है क्योंकि साइज बढ़ेगा, इजीली हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो बोथ आर करेक्ट। सिर्फ मिनरल आंसर दिया है, बाकी क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो अभी भी, और कितने इजी क्वेश्चन आए भाई एग्जाम में। चलो सबने फाइल ओपन की है, सबके पास क्वेश्चन है, अभी ग्रुप पे भेजे मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखो, नंबर 54, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। CP एंड CV का रिलेशनशिप पूछा है, थर्मोडायनामिक्स में ये रिलेशनशिप था, CP CV और R इनका एक रिलेशनशिप था। ऑप्शन देखो क्या है, CV इज इक्वल टू R CP, CP प्लस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R या CP इज इक्वल टू R CV। किसी को पता है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। जल्दी जल्दी जो भी आंसर है जल्दी जल्दी देना है। एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, R इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे CP होता है मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, CV is called as molar heat capacity at constant volume. तो CP minus CV is equal to R आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था ऑप्शन सी, मतलब थर्ड ऑप्शन। चलो नंबर 55 देखो, नंबर 55, the correct option, good mineral, the correct option for the number of body-centered unit cell in all 14 types of Brevi's lattice unit cell is, Brevi's lattice unit cell is. अभी कितने types के crystal system होते हैं? Total 7 types के crystal system होते हैं. Total 7 types of crystal system. 7 type of crystal system होते हैं. कौन कौन से होते हैं याद रखने के लिए कहा था, सी टोर एच एम टी, सी टोर एच एम टी। सी मतलब होगा यहाँ पे क्यूबिक, टी मतलब होता है टेट्रागोनल, यहाँ पे ओ मींस ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, यहाँ पे ये होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रन, एच होता है हेक्सागोनल, एम मींस मोनोक्लिनिक एंड टी मींस होता है ट्राइक्लिनिक। टी का मतलब क्या होता है, ट्राइक्लिनिक। ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और यहाँ पे 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1 और ये टोटल देखो 3 + 5, 9, 8, 11, 12, 13, 14, ये टोटल 14 टाइप्स के Brevi's lattice बनाता है। कितना बनाता है, टोटल 14 टाइप्स के Brevi's lattice बनाता है। अभी इसमें से 3 वहां पे, 2 और यहाँ पे 1, बाकी सब तो 2 ही बनाता है। तो यहाँ पे एक रहेगा क्यूबिक जो BCC बनेगा, एक होता है टेट्रागोनल, एक होता है टेट्रागोनल और एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, एक होगा ऑर्थोरोम्बिक,
तो ये जो तीन है ये बीसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो टोटल कितने हैं? सेवन टाइप्स में टोटल थ्री स्ट्रक्चर रहेंगे। टोटल कितने हैं यहाँ पे? थ्री रहेंगे। ये सब चीजें हम पढ़े हैं, जस्ट रिवाइज करा रही हूं मैं अभी यहाँ पे। तो ऑप्शन रहेगा वन, ऑप्शन वन। क्लियर है? कुछ याद आ रहा है? सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56। अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड वन इज कोवैलेंट। कोवैलेंट होगा वो किसमें होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। विच रूल इज अप्लाई हियर? कौन सा रूल अप्लाई करोगे? कोवैलेंट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक दिया है बेरिलियम क्लोराइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, देन स्ट्रोंशियम क्लोराइड CrCl2, और एक होता है मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज NgCl2। तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिस्कस बाय यूजिंग फजान रूल। कौन सा रूल है? फजान रूल। स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन। कटायन का जितना कम साइज होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतने ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो अनायन सेम है, क्लोरीन सेम है सब में। तो यहाँ पे आप देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एक आता है स्ट्रोंशियम। सब पे क्यों सा चार्ज है? 2+ का चार्ज है। और साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है डाउन द। तो साइज यहाँ पे सबसे कम साइज बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर पोलराइजेशन इज देयर। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। मतलब BE में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो BeCl2 में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और वो इजिली किसमें सोल्यूबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। गुड आलो, क्लियर है? समझ में आया? बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट, उसके बाद 57 पे ध्यान दो। ट्रिटियम और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल? कोई दे सकते हैं ऑप्शन? न्यूट्रॉन, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा या गामा पार्टिकल्स। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है हाइड्रोजन का। अभी देखो यहाँ पे isotopes of hydrogen that is a tritium, no sahib, gamma नहीं होता। तो यहाँ पे इससे अगर reaction करो तो ये तो helium देता है, ये helium के particles देता है that is alpha emitters, और उसके साथ एक beta का particles देगा। इसके साथ साथ क्या देता है? एक beta का particles हमेशा देता है, ये याद रख। gamma नहीं देगा, ये हमेशा beta देता है। ये क्या देगा यहाँ पे? beta देगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम 58 देखो। 58 आपका हुआ नहीं है। 58 क्वेश्चन था, मेटलर्जी से आया था क्वेश्चन, तो 58 नहीं हुआ था हमारा। कौन सा था? बीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 है सबके पास। 59 सबसे इजी क्वेश्चन था ये। BF3 is a planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electron around the central atom respectively are. Option A, sp2 and 8, sp3 and 4, sp3 and 6, sp2 and 6. BF3 electron deficient hai. Kya hybridization hoga BF3 ka?
बहुत इजी है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया. गुड मिनल नहीं, गलत हो रहा है मिनल. तुमने ऑप्शन मिनल ये बताया मुझे, sp3 and 6 बोला है. गुड साहिल, साहिल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने. गुड साक्षी, वेरी गुड बेटा. इतना इजी क्वेश्चन तो सभी दे दे. सूरज तेरा कहना है कि sp3 and 4 होगा. मैं बात कर रही हूँ bf3 की, मैंने बात की है bf3 की. अभी मुझे बताओ bf3 यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, कितने बॉन्ड पेयर. 1 2 3 थ्री बॉन्ड पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2. ठीक है नितिन, कितने इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन. तो sp2 and 6 इलेक्ट्रॉन. अभी बोलो ये नीट में कल का क्वेश्चन आया हुआ है. अभी इससे इजी और क्या हो. sp2 and 6 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. नंबर 60 देखो, नंबर 60 द मेजर प्रोडक्ट CH3. यहां पे दिया हुआ है CH3, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH और प्लस है ये HBr. यहाँ पे कैटलिस्ट दिया है C6H5CO, यहाँ पे Y2O2. अभी मुझे बताओ इस तरह का कंपाउंड दिया है, अभी इस पे कोई एक रूल है जो अप्लाई होगा. विच रूल. एक रूल है वहां पे अप्लाई हो सकता है, ये रूल का नाम बता दो. अगर रूल का नाम पता है तो आंसर इजीली आप कर लोगे. कौन सा रूल हो सकता है यहाँ पे. अभी यहाँ पे कंफ्यूजन ये वाला हो रहा है आलोक, मार्कोनी का रूल होगा. नहीं नितिन, आलोक यहाँ पे ये रूल देख, यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड यहाँ पे O, अगेन O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C6H5 एंड दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल परऑक्साइड. कौन सा रूल होगा, परऑक्साइड आ गया. कौन सा रूल होगा, एंटी मार्कोनिक का रूल. जहां पे परऑक्साइड आ जाता है, दिस इज द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन. व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एक्ट्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड. अगर यहाँ पे परऑक्साइड दिया है तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है, CH3 एज इट इज, ये पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, इसके पास क्या जाएगा हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा Br. विच रूल, एंटी मार्कोनिकफ रूल. ये था एंटी मार्कोनिकफ रूल. और ऐसा कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है देखो, ऑप्शन टू दिया हुआ है, ऑप्शन टू क्लियर है. अगर आपको ये नहीं पता है तो आप तो कुछ रूल अलग मार्कोनिकम अप्लाई करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, दी मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaCl. NaCl का मोलार कंडक्टेंस दिया हुआ 126.45 और ये क्वेश्चन हमने किया था. मोलार कंडक्टेंस ऑफ HCl दिया हुआ है कितना दिया है 426.16 एंड मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA भी दिया हुआ है 91.70 और आपको पूछा है मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3COH. कौन सा रूल अप्लाई करना है मुझे चैप्टर बताओ, ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन दिया हुआ है.
पहले आपको चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए. गुड, इतना तो पता है हमें कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा लॉ पढ़ा था? गुड सूरज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कौन सा लॉ पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ पढ़ा था अभिषेक? कुछ भी, एक लॉ पढ़ा था हमने, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन. क्या हमने एक लॉ पढ़ा था? कोहरलॉश लॉ. कोहरलॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. कोहरलॉश लॉ ऑफ, ये क्वेश्चन सेम किया हुआ हमने. CH3COH निकालना है, कैसे निकालोगे? यहां से CH3CONA प्लस यहां से HCl कर दो. देखो क्या करोगे, CH3COOH कैसे लेके आओगे? अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, CH3COONA प्लस HCl को कंबाइन कर दूं, तो यहां से मुझे CH3CO और यहां से H मिलेगा, प्लस NaCl मिलेगा. माइनस ये कर दो, माइनस NaCl, माइनस NaCl कर दो, क्या हो जाएगा? CH3CONA 91.0 प्लस HCl कितना है? 426.16 माइनस NaCl कितना है? 126.45. कैलकुलेट करके बता दो आंसर. कितना आ रहा है आंसर? 426 minus 126 अराउंड ऑप्शन आ रहा होगा 390. ऑप्शन 3 आ रहा होगा 390 point something. आंसर भी बहुत दूर दूर है. गुड सूरज, ये रूल था कोहरलॉश लॉ. ये क्वेश्चन हमने किया भी है, डायरेक्टली हमने क्वेश्चन किया है, सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक नंबर 62. नंबर 62 डायरेक्टली दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से. अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ ऑल इंडिया रेशियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी दिया है. अभी यहां पे कंफ्यूजन क्या है? जो फ्रीक्वेंसी है यहां पे ये है 1368 किलो हर्ट्ज, और किलो हर्ट्ज को हमें कन्वर्ट करना है 1368 minus 10 to the power of -3 hertz. इसमें कन्वर्ट करना है हर्ट्ज में, इसी को सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं. वेवलेंथ दी है यहां पे, वेवलेंथ पूछा है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है. नहीं भी देते तो हमें पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. तो न्यू इज इक्वल टू, ये होता है c by lambda, c by new. C कितना दिया है? 3 × 10⁸. न्यू की वैल्यू कितना है? -3. यहां पे कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. डायरेक्टली आंसर दिया है, आंसर निकाल लो कितना आ रहा है. इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट रहेगा सेकंड इनवर्स हर्ट्ज. न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्ब्डा. तो डायरेक्टली यहां पे अगर इसको 500 भी कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा. इसको 500 भी कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा. कितना आ रहा देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे आंसर, अच्छा पास पास में ही आंसर दिए है, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है. 219 आ रहा है ना, पॉइंट समथिंग. यस 219. गुड मिनट, क्लियर हुआ है? इतना इजी क्वेश्चन दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में से. 219 point something आ रहा होगा.
नेक्स्ट 63, नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी मुझे बताओ, ये तो 10th स्टैंडर्ड में हो गया है, कौन सी रिएक्शन होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई बता सकता है? 1, 2, 3 और 4 में से एक ऑप्शन बताना है. मेटल डिस्प्लेसमेंट, दो ऑप्शन तो ऐसे उड़ रहे, PbNO3/2 का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन हो के, गुड अभिषेक, वेरी गुड मीनल, वहां पे डिकम्पोजिशन होके PbO KClO3 का भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, गुड सूरज. बट ऑप्शन सी में मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या होगा वहां पे? मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. समझ में आया? 63, नेक्स्ट 64, साक्षी सी है, एफी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है डी ऑप्शन में, वहां पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, गुड प्रज्वल साक्षी. ऑप्शन सी क्रोमियम वाली रिएक्शन देखो, वहां पे मेटल क्रोमियम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. नेक्स्ट देखो 64 नंबर, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट सब लोग जानते हो, 10th में भी पढ़े हो, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने भी देखा था टिंडल इफेक्ट. यूरिया सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन या स्टार्च सोल्यूशन, वेरी गुड नीति. यूरिया, NaCl, ग्लूकोज या स्टार्च, गुड अभय, गुड अभिषेक, गुड प्रज्वल, गुड अभिषेक, आलोक सही है, ये सबको पता है, क्योंकि यूरिया है, NaCl रहेगा या ग्लूकोज रहेगा, ऑल दीज आर ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, और स्टार्च इज अ कोलाइडल सोल है, तो स्टार्च वहां पे टिंडल इफेक्ट शो करेगा. द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म. अभी मेटामेरिज्म कौन शो करता है? एक तो कीटोन शो करता है, नहीं तो ईथर शो करेगा. तो मेटामेरिज्म होता क्या? मेटामेरिज्म हमने ईथर्स में देखा था, मेटामर्स हमने ईथर में देखा था. अभी यहाँ पे देखते C4H10O, अगर मैं यहाँ पे लिखू CH3CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2CH3, कितने हो रहे? 1, 2, 3, 4, C4 हो रहा है यहाँ पे. हाइड्रोजन देखो, ये छे हो गया और 10, H10 हो गया, और यहाँ पे O हो गया, C4H10O. अभी देखो यहाँ पे मेटामर्स कैसे हो रहा है. पहला ये कंपाउंड फॉर्म हो, उसके बाद ये कंपाउंड को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ये CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH. या तो मैं इसी कंपाउंड को इस तरह से लिख सकती हूँ, CH3O, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3. तो दे आर कॉल्ड एज अ मेटा. ये क्या है? ये सब मेटामर्स है. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या आ रहा है? C4, 1, 2, 3, 4, H10 आ रहा है यहाँ पे, और ऑक्सीजन आ रहा है. तो पहला ही कंपाउंड तो शो कर रहा है यहाँ पे. C5H12, अल्केन मेटामर शो नहीं करता है, अल्केन शो ही नहीं कर सकता है. C3H8O, अगर तीन कार्बन मैंने निकाले हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, तो यहाँ पे ही हो जाएगा C3H8, यहाँ पे O, ऑक्सीजन, ये भी यहाँ पे नहीं, ये शो नहीं कर सकता. ये चेंज करो, कैसे भी करो चेंज, ये भी शो नहीं कर सकता है. तो ऑप्शन ए ही करेगा, ऑप्शन ए ही रहेगा. ओके चलो नेक्स्ट 66 देखो. 66 केमिकल बॉन्डिंग में से क्वेश्चन है. 66 का क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में से है. आपको हाइब्रिडाइजेशन, आपको हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री याद रखनी है, कि sp है तो लीनियर है, sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर रहेगा, sp3 टेट्राहेड्रल. तो इस तरह से ज्योमेट्री आपको याद रखनी है. अभी मुझे बताओ, यहाँ पे पहला दिया है नंबर 66, नंबर 66. अभी PCl5 है, PCl5,
PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ पे देखो, 1 Cl यहाँ पे, Cl 1 Cl यहाँ पे, 1 Cl यहाँ पे, 1 Cl यहाँ पे, कितने बॉन्ड पेयर है? 5। अगर 5 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा। अगर sp3d है तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद SF6, उसके बाद दिया है SF6। S यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे F, यहाँ पे F, ऊपर F और यहाँ पे भी F। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp3d2 हो रहा है, और sp3d2 होता है तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल। ये क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑप्शन बी आ रहा है, 4 यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन बी आ रहा है, 4 थर्ड। चलो इसका देखते हैं, BrF5। BrF5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे Br, ये F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, ये F हो जाएगा, एक यहाँ पे F, 1 2 3 4, और एक लोन पेयर खाली रहेगी, एक लोन पेयर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। और BF3 का तो मैंने अभी बताया, देखो अभी BF3 के दो बार पूछा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइंगुलर ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऑप्शन, चलो ऑप्शन 2 ही आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीमर तो हम पढ़े नहीं है, पॉलीमर को हम एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि पॉलीमर के क्वेश्चन जेई और नीट में जरूर आते हैं, बोर्ड्स में नहीं है, बट जिनको नीट और जेई देना है उनको पॉलीमर पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, विटामिन भी हमने पढ़े, उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ये जो क्वेश्चन है। ओके सूरज, ओके, जो 69 का क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ेंगे, मतलब अमाइंस में रहेगा वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं है। जेन मेटलर्जी भी हम नहीं पढ़े हैं। उसके बाद नंबर 77, नंबर 77 देखना है, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। जानते हो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या ऑप्शन हो सकता है? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हमने निकाला था टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 12 6 8 4 6 12 2 1 in HCP hexagonal close packing। ओके मिनल, सूरज 1 आ रहा है, ठीक है। साक्षी उल्टा तो नहीं कर रहे हो? अभी मुझे बताओ, यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, Z की वैल्यू कितनी होती है? 6। अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड किससे रिप्रेजेंट करते हो? 2n से, सही बात है। और ऑक्टाहेड्रल, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे रिप्रेजेंट करोगे? n से। टेट्राहेड्रल वॉइड 2 × 6 दैट इज 12, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो केस किसका पूछा था? 12 and 6, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। साक्षी, साक्षी तुमने उल्टा कर दिया। नंबर 78, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-dimethyl नॉमेनक्लेचर तो जानते हो, और वो तो सिंपल नॉमेनक्लेचर दिया, 2,6-dimethyl डेक 4-ईन, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या आ रहा है इसका ऑप्शन? 78 का ऑप्शन बताओ मुझे, 1 2 3 4 4 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4
एक ही ऑप्शन है डायरेक्टली समझ में आ रहा है, बाकी कुछ चेक मत करो, सिर्फ फोर पे डबल बॉन्ड चेक करो, करो सिर्फ फोर पे डबल बॉन्ड। गुड सूरज, अभिषेक, ये कौन है भाई? ये ऐसे नाटक करना है ना तो क्लास में मत आओ। गुड साइड प्रज्वल, ठीक है। गुड आलोक, यहाँ पे नीट का पेपर सॉल्व कर रहे, वो तो आ नहीं रहा है और बिना काम की बातें आ रही है। चलो, और यहाँ पे ऑप्शन बी देखो, नंबर टू, ऑप्शन बी पे अगर आप सिंपल डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक कर रहे हो तो हर इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज है, सिर्फ बी में फोर पे डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डबल बॉन्ड चेक करो बस। देन नंबर 79, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज लॉ। अभी बॉयज लॉ आप लोग पढ़े हो कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल। ये देखो इस तरह से ग्राफ आएगा, ये होगा इस तरह से ग्राफ। अभी यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2 और मैंने ये बोल दिया T3। अभी मुझे यहाँ पे ये दो तरह के ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे ग्राफ का ऑर्डर बताना है, देखो यहाँ पे एक लाइन खींच दो, मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। PV इज इक्वल टू NRD, ऐसा कुछ बताया था। वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया P1, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया P2 और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया P3 और प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब P3 सबसे बड़ा रहेगा P2 और P1 और T1 भी इसके करस्पॉन्डिंग P3 सबसे बड़ा है T2 और T1। यहाँ पे सबसे बड़ा टेम्परेचर आना चाहिए और टेम्परेचर कौन सा आ रहा है ऐसा, बाकी तो दो ग्राफ हो ही नहीं सकते हैं। एक है 600 यहाँ पे दिया है 400 और यहाँ पे दिया है 200। नंबर वन क्लियर हुआ है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यस मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नेक्स्ट नंबर 80, अभी नंबर 80 में दिया हुआ है कि कुछ सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250, देखो ml सेम है और 10 ग्राम सुक्रोज मास भी सेम है। द राइट ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पे टेम्परेचर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो पाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और मुझे बताओ सी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स होता है यहाँ पे गिवन मास बाय मोलार मास और यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो यहाँ पे 1000 बाय वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे ml में दिया है। तो आप यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलार मास। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। कौन कौन से सब्सटेंस दिए हैं, एक दिया हुआ है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलार मास कितना होता है 180। दूसरा दिया है यहाँ पे यूरिया 60 होता है और एक दिया हुआ है सुक्रोज, सुक्रोज कितना होता है 342। गुड मिनट,
तो यहाँ पे मोलार मास और पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर। ये हो जाएगा आपका P1, ये है P2, ये है P3। सूरज गलत नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा उल्टा कर दिया, ठीक है। आलोक एक बार चेक करो आंसर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक मोलार मास बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सूरज, ऑप्शन क्या होना चाहिए? P3 सबसे ज्यादा है तो डिक्रीजिंग, उसके बाद आएगा ग्लूकोज दैट इज अ P1, और उसके बाद P2। ऐसा ऑप्शन वन दिखाई दे रहा है। अभी इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो मोल्स निकालो क्योंकि ग्राम्स और वॉल्यूम सेम दिया है, तो कोई जरूरत नहीं। सिर्फ मोलार मास देखो, इतना टाइम नहीं होता है कि हम कैलकुलेशन करें और इसे आंसर निकाले, डायरेक्टली आंसर निकालना चाहिए। उसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX, जब हमने हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स देखा है तो इसमें ये क्वेश्चन देखा था, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। क्या होगा इसका बताने की जरूरत है? सब में मिथाइल ग्रुप अटैच है, साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी का सीक्वेंस बताना है जल्दी। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस। गुड आलोक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करेगा। गुड साहिल, गुड साक्षी, गुड सूरज। ऑप्शन थ्री, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली, यस नीति, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है वहां पे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी और जितना साइज बढ़ेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। That is 81. चलो 82 पे आ जाओ। डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कंफॉर्मर ऑफ इथेन, कोई बता सकता है? 82. डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कंफॉर्मर ऑफ इथेन, 0 डिग्री, 120 डिग्री, 180 या 60 डिग्री। इथेन किस तरह से होगा? मैं अगर सिंपल स्ट्रक्चर निकालू तो यहाँ पे कुछ इथेन का इस तरह से होगा, डायहेड्रल मतलब उसके बिल्कुल बीच पीछे, बिल्कुल इसके पीछे होता है एंगल, और इनके बीच में जो एंगल है कुछ नहीं, उसके बिल्कुल पीछे खड़ा रहेगा, तो इनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल होता है इसके एंगल कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है। तो ये कन्फर्मेशन में आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन वन रहेगा इसका, 0 डिग्री। डायहेड्रल एंगल मतलब यहाँ पे जीरो होता है। गुड मिनट, नंबर 83, ये तो आप ही बता दोगे मुझे, 83 का बताओ। नोबेल गैसेस आर नेम बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। फर्स्ट, नोबेल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोबेल गैसेस आर स्प्रैंगली सोल्युबल इन वॉटर, noble gases have very high melting and boiling point, noble gases have weak dispersion force. Good mineral, साहिल गलत हो रहा है, incorrect बोल रहा है साहिल, correct नहीं बोल रहा है साक्षी, गलत हो रहा है। यस मिनल, साहिल गलत हो रहा है, साहिल डिस्पर्शन फोर्स है, वीक वंडरवॉल फोर्स बिटवीन। गुड आलोक,
अगर वीक वंडरवॉल फोर्स है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट गुड सूरज अभिषेक. अगर वीक नोबल गैसेस आर स्प्रैंगली सोल्युबल ना, दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन वैल्यू, वो तो होती है. अभी सबसे पहला पॉइंट तो है कि जो नोबल गैसेस है उनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स. अगर इतना वीक फोर्स है मतलब वहां पे मेल्टिंग पॉइंट वीक चाहिए. अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन यहाँ पे बोला है हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट. तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. चलो नंबर 84, ये तो मैंने अभी अभी कराया है आपको क्वेश्चन नंबर 84. एसीटोन, एसीटोन इसमें लिखा है C2H5MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, और सेकेंड है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया हुआ एसिड हाइड्रोलिसिस, और आपको पूछा है प्रोडक्ट, आपको पूछा है यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद. यह अभी अभी हुआ है. गुड नितिन, सही है. ये तो बहुत बार रिएक्शन हमने किए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैंने कहा भी बहुत बार इंपॉर्टेंट. गुड मिनल, चलो जल्दी से करो रिएक्शन. एसीटोन दिया है, एसीटोन क्या होता है यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एसीटोन. साक्षी गलत हो रहा है, नितिन गलत हो रहा है. नितिन यहाँ पे C2H5 है. गुड आलोक, गुड सूरज अभिषेक, गुड साहिल. यहाँ पे दिया हुआ है C2H5MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3O के पास मैंने कहा हमेशा MgBr को लेके जा, और यहाँ पे C2H5 होगा. सेकेंड स्टेप करना है आपको हाइड्रोलिसिस वाला, H2O वाला स्टेप करना है H+, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे C2H5. ओके नितिन, तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट करनी है 1, 2, 3, 4, और 2 पे अल्कोहल है, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, कंफ्यूज नहीं होना. 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन ए इंड्यूस बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलो जूल पर मोल. द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन द बिलो. क्या हो सकता है, कोई बता सकता है आंसर? अभी यहां पे एंथैल्पी दिया है -4.2, वेरी गुड साहिल, गुड. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है -4.2, माइनस साइन दिया है मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो मतलब यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यही तो होता है ना. और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में ही दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन सी में ही दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. चलो कुछ रिएक्शन दे रही उसके नाम बताते जाओ.
ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है और ये अभी अभी हमने पढ़ी है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में नंबर 1 ए रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89 बेंजीन दिया है COHCl anhydrous AlCl. बी दी रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस NaOH. नंबर सी RCH2OH मतलब अल्कोहल प्लस एसिड RCOH. एंड डी ये तो कल ही पढ़ी हमने RCH2COH X2 रेड फॉस्फरस और यहाँ पे H2O. अभी रिसेंटली सब रिएक्शन पढ़ी है हमने. किसी का फर्स्ट आ रहा है किसी का सेकेंड आ रहा है अभी भी कंफ्यूजन है. चलो देखना पड़ेगा. यस फर्स्ट रिएक्शन इज अ गेटरमैन रिएक्शन गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन. आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री रिएक्ट्स विद NaOH. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ये कौन सी रिएक्शन है सेकेंड This reaction is called as haloform reaction. ये है haloform reaction. RCH2OH alcohol reacts with acid. This reaction is called as esterification reaction. Formation of ester. और इसको मैंने कल ही देखा था HBZ reaction. Hale-Pollard-Zelenski reaction. तो देखो कौन सा आ रहा है. ए का आ रहा है सेकेंड और ए का सेकेंड ऐसा पहला ही ऑप्शन ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. नंबर 1 ही आ रहा है कुछ देखने की जरूरत ही नहीं था. अच्छा 86 हाँ चलो वो भी कर लेते 86 पे चाहे ना 86 87 और 88. ओके चलो हो गया है. ये क्लियर हुआ ये सब रिएक्शन हमने अभी अभी पढ़ी है इसी वीक में. नंबर 86 दिया है SO2 प्लस O2 एसिड रेन दिया है स्मोग है ओजोन डिफ्लेक्शन है या ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन है. तो अगर मैं एसिड रेन के बारे में सोचूं जब भी हम एसिड रेन आप लोगों ने अगर एसिड रेन पढ़ा होगा केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में तो ताजमहल का एग्जांपल का जो ताजमहल है उसका एग्जांपल दिया जाता है. तो ताजमहल किससे बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से. तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर किसकी रिएक्शन हो रही है एसिड की रिएक्शन हो रही है और उसमें क्या फॉर्म हो रहा है CaSO4 फॉर्म हो रहा है. मतलब एसिड रेन का एक ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है CaCO3 वाला कंफ्यूज नहीं होना. तो सी का ऑप्शन 1 और ऐसा अगर आप देख रहे हो तो एक ही ऑप्शन है सी का जो 1 है ऐसा एक ही ऑप्शन है और वह वो 4 है नंबर 4. ठीक है ना समझ में आया. देखो तो इतना इजी पेपर था कंफ्यूज नहीं होना. SO2 आप देखोगे कि SO2 भी होता है वो अलग है लेकिन डायरेक्टली H2SO4 दिया है कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है और उसी पे अफेक्ट होता है. बाकी तो सब पता ही है आपको ओजोन डिफ्लेक्शन होता है HOCl की वजह से. चलो उसके बाद नंबर 87. अभी 87 कौन बताएगा मुझे. 87 का क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया है. 87 हमने कल ही सॉल्व किया मुझे उस रिएक्शन का नाम बता. नंबर 87
नंबर 87 गुड़गा लोग। कल ही हमने रिएक्शन किए, रिएक्शन का नाम भी पता है आप लोगों को, गुड साक्षी। सोडियम, गुड प्रीति, गुड गुड आलोक। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। व्हाट इज बाय सोडा लाइम, गुड साक्षी। NaOH plus C, गुड प्रज्वल। NaOH plus CaO, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे मिलता है अल्केन प्लस Na2CO3 बाहर निकल जाता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है, तो CaO मिसिंग है, यहाँ पे क्या है, CaO मिसिंग है। चलो, the correct option number 8, correct option for the value of vapor pressure of solution at 45 degree celsius with benzene to octane, benzene to octane yahan pe diya hua hai, molar ratio diya hai, kiska, benzene to octane ka, to molar ratio of benzene to octane, मोलार रेशियो कितना दिया, 3:2 दिया हुआ, 3:2 दिया हुआ है, और प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है वेपर, तो क्या इसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल्स 3 है, 3+2 5 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाएगा, 2/5, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अभी फॉर्मूला पता है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा। फॉर्मूला यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, आंसर निकाल लो। मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल्स दिए हैं, मोलार रेशियो दिया हुआ, पेपर प्रेशर निकालना है। चलो देख लो इसका आंसर, वो मुझे बताने का, इसका आंसर, गुड मीनल, वेरी गुड, इसके आंसर नियरेस्ट है इसलिए थोड़ा समझ के, गुड। चलो आगे बढ़े, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यहां पे डबल बॉन्ड ओ दिया हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड ओ, यहां पे OCH3 और यहां पे है CH3 और यहां पे दिया है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल C2H5OH। अभी सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, ये एसिड और इस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ये एसिड और इस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, यस नितिन, वेरी गुड, तो ये एसिड और इस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ये सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपको देख रहा है ये इस्टर ग्रुप है, तो इस्टर ग्रुप का कुछ नहीं होने वाला है, इस्टर ग्रुप एज इट इज रहेगा, मतलब ये ग्रुप एज इट इज होता है, सी डबल बॉन्ड हो गया OCH3, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये CH3 हो गया, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कीटोनिक ग्रुप है और उसका रिडक्शन किस में होता है, OH ग्रुप में हो जाएगा, क्लियर हो रहा है, OH में हो गया, बाकी तो एज इट इज रहेगा, बाकी को कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, ऑप्शन 1, प्रीवियस का 336 आंसर आ रहा होगा, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर 336 आ रहा होगा। चलो उसके बाद अरहेनियस इक्वेशन,
अरेनियस इक्वेशन पढ़े हम केमिकल काइनेटिक्स में. अरेनियस इक्वेशन के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं. क्या था अरेनियस इक्वेशन यहाँ पे? अगर एल एन के वाला के इज इक्वल टू ए रेस्ट टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ई रेस्ट टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी. यहाँ पे एल एन के की फॉर्म में लेके आओ, एल एन के एल एन ए हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी, माइनस ई ए बाय आर टी. अभी यहाँ पे ग्राफ किसके वर्सेस दिया हुआ है? एल एन के मतलब ये वाला, यहाँ पे एल एन के वर्सेस एल एन ए माइनस ई ए बाय आर, और यहाँ पे वन बाय टू. तो क्या इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम एक्स यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे. निकाल लो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये क्या है? सी क्या है? माइनस ई ए बाय आर, माइनस ई ए बाय आर. और कितना दिया है स्लोप? कितना दिया है? माइनस फाइव इंटू टेन रेस टू दी पावर थ्री. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. आर की वैल्यू दी है, ई ए इज इक्वल टू फाइव टेन रेस टू दी पावर थ्री, और आर की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 8.314 दिया है. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8 मान लो, तो ये 40 इंटू टेन रेस टू दी पावर 3 हो जाएगा. किलो जूल में आंसर दिया है तो 40 के आसपास सेकेंड ऑप्शन ही आ रहा है. गुड मिनल, समझ में आया अप्रोच कैसे सॉल्व किया हमने? चलो इसके बाद हमारा कौन सा बचा था इस साइड में? हो गया था, 92 हो गया, 93 अभी तक हमने लिया नहीं है, ठीक है. ये अमाइंस में लेंगे, ये हम लेंगे अमाइंस में 93. फॉर इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस है. अभी प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होगा? जीरो. आइडियल गैस है तो डेल्टा यू भी क्या आना चाहिए? जीरो. आइडियल गैस है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू भी क्या होना चाहिए? जीरो. और यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, ऐसे दो ऑप्शन है. डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है. तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो एक्सपांशन होता है, तो बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपांशन डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो होता है. ऑप्शन होगा यहाँ डेल्टा यू, ऑप्शन फोर. यस मिनर, तो ऑप्शन फोर आ रहा है. चलो 95 का आंसर आप लोग ही बताओगे मुझे. 95 का आंसर आप लोग बताओगे. फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर? व्हाट इज मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक? दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. बट यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहा है, बताओ मुझे. आइसो इलेक्ट्रॉनिक, साहिल थर्ड आ रहा है. साहिल आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहा है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक. Na plus और Md2 plus में 10-10 इलेक्ट्रॉन है. Both are same, both having same number of electron. अच्छा गलत पढ़ लिया. अब है टू कैसे आएगा. अब है ऑक्सीजन 8 है उसपे 2 माइनस का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. फ्लोरीन 9 है उसपे माइनस 1 का चार्ज उसपे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. चलो मैं ही बता आंसर ही पता निकालना पड़ेगा. Fe2+ Mn2+ Fe का नंबर 26, 26 में से 2 प्लस चला गया तो ये 24 हो जाएगा. सैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमीन मैग्नीज आयरन मैग्नीज 24 ना. स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमीन मैग्नीज 25, 25 में से 2 चला गया 23. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. नहीं नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अभी देखो O2 माइनस और यहाँ पे F माइनस. ऑक्सीजन 2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन. बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. Na प्लस सोडियम 11 1 इलेक्ट्रॉन चला गया 10 इलेक्ट्रॉन्स. Mg 2 प्लस इसमें भी कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. Mn 2 प्लस अभी मैं निकाला Mn 2 प्लस का कितना हो रहा है 23. Fe 3 प्लस 26, ये भी 23. तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बट ऑप्शन ए नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक. नितिन सी कैसे आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है. ऑप्शन ए ही तो आ रहा है. ऑप्शन ए आ रहा है. ओके 96 का आंसर मैं बाद में बताऊंगी. इस पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है. डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिटिक एसिड का. वैसे तो आप निकाल सकते हो लैम्डा मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला. 97 देखो 96 का कैलकुलेशन में बात नहीं करती. नाइन्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पे देखो NO2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O रहेगा सॉरी डबल बॉन्ड O कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी है तो ये तो पोलर हो जाएगा. जहां पे आपको लोन पेयर दिखाई दे वो पोलर होता है. POCH3 देखो फॉस्फरस डबल बॉन्ड O यहाँ पे सीएल यहाँ पे सीएल यहाँ पे इस पे भी लोन पेयर है मतलब इसमें भी पोलैरिटी है. ये भी हो गया पोलार. सी एच टू ओ मतलब ये हो गया अनहाइड्राइड डबल बॉन्ड ओ एच सी एच टू ओ यहाँ पे भी लोन पेयर ये भी पोलार होगा. एस बी सी एल फाइव एस बी एक सीएल यहाँ पे एक सीएल यहाँ पे एक सीएल ऊपर सीएल यहाँ पे नीचे सीएल इसके साथ ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा. तो न्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो. अगर जीरो आ रहा है मतलब ये नॉन पोलर. ऑप्शन होगा 4. गुड प्रीति गुड मिला. जहां पे लोन पेयर है वो पोलर होता है. जहां पे लोन पेयर ये सब क्या होगा यहाँ पे पोलर होगा. चल रहा था 98 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. 98 का अभी तक हमारा हुआ नहीं. 98 का हम नहीं कर सकते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर 4 ग्राम O2 2 ग्राम H2 कन्फाइंड इन अ टोटल वॉल्यूम इन अ 1 लीटर. अभी मुझे बताओ यहाँ पे प्रेशर दिया है टोटल प्रेशर निकाल.
टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर O2 नंबर ऑफ मोल्स निकालो गिवन मास 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ठीक है ये हो जाएगा 1/8 हाइड्रोजन का है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 1 तो 1/8 और यहाँ पे 1 इन दोनों को ऐड कर लो और इक्वेशन यूज कर लो PV इज इक्वल टू NRT PV इज इक्वल टू NRT नंबर ऑफ मोल्स टोटल वॉल्यूम निकालना है टोटल वॉल्यूम निकालना है ये हो जाएगा टोटल प्रेशर आपका इन एटीएम में आर की वैल्यू दी है वी वैल्यू निकालनी वी निकालना है ना नहीं वॉल्यूम दिया है 1 लीटर प्रेशर निकालना है एन आर डी बाय एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1/8 + 1 आर की वैल्यू 0.0821 T दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन और यहाँ पे V दिया हुआ है 1 लीटर आप इसका आंसर निकाल सकते हो निकाल लो टोटल मोल्स कितने हो गए 1/8 + 1 9/8 बाकी वैल्यू रख दो कितना आ रहा है आंसर नियरेस्ट है इसलिए आंसर सही से निकालो क्या आंसर हो सकता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिनरल क्या आंसर आ रहा है गुड सूरज आंसर नियरेस्ट है इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू वहां पे यूज नहीं कर सकते हो बहुत आसपास वैल्यू दी है इसलिए वैल्यू जब भी समझ के 2.5 2.6 26 25 चलो हो गया है आंसर निकाल लो जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर लो 100 लास्ट वाला क्वेश्चन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट तो हमने ये क्वेश्चन जो पढ़ा है वो पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा है ये क्वेश्चन जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा है क्या हो सकता है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेन इंक्रीजिंग पीकेए वैल्यू गुड मिनरल मिनरल ऑप्शन कौन सा ये मिनरल ऑप्शन कौन सा दिया है नंबर 4 कैसे आ रहा है एक बार सही से चेक करो इसको
करेक्ट आंसर निकाला क्या? अच्छा फोर ही आ रहा है क्या? क्योंकि मेरे पास इसका आंसर नहीं है। फोर या वन में से है, मतलब 25 या 26 में से अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। परफेक्ट आंसर क्योंकि अप्रोक्सीमेट बहुत ही पास में, अप्रोक्सीमेशन तो होगा ही नहीं। आपको परफेक्ट निकालना है, दो में से एक रहेगा। फोर आ रहा है ना? चलो ठीक है, देखो ए और इसमें से होगा, ऑप्शन करेक्ट ये करो। अच्छा फोर आ रहा है, ठीक है। चलो लास्ट वाला बताओ, लास्ट 100। नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट ए, क्या हो सकता है? अभी इसका आंसर आप लोग दोगे। और ये पॉइंट है, मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, रिसेंटली डिस्कस किया था ये पॉइंट। नितिन, ये पहले वाला क्वेश्चन का आंसर है ना, ऑप्शन फोर, 25 पॉइंट समथिंग ना? ओके 100 का बोल रहे हो। इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया pH 3 SH3 SbH3, साइज इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है नितिन वहां पे। ऑप्शन सही है, फोर ऑप्शन सही है। नॉट स्ट्रिक्टली कहा है ना, तो फोर्थ 100 का जो है वो फोर्थ तो सही दिखा रहा है। इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर मीनल, ये भी सही है, सेकेंड भी सही है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ वही तो है ना। अरे भाई साइज इंक्रीज हो रहा है, जितना साइज इंक्रीज होगा उनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, इजीली हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और जितना जल्दी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक रहेगा। बट आप थर्ड ऑप्शन की तरफ ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? वो थर्ड ऑप्शन है ना मीनल। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे दिया H2O, H2S, H2SE, और यहाँ पे दिया है H2TE, और इसमें लिखा है इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। अभी इंक्रीजिंग pKa वैल्यू कैसे होगा? H2O टू H2O साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज है। और मुझे बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ये हमने अभी अभी देखा है। एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa का रिलेशनशिप अपने अभी अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा है। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो pKa की वैल्यू कम होनी चाहिए, डिक्रीजिंग pKa वैल्यू होना चाहिए, पर यहाँ पे तो इंक्रीजिंग बोला है, मतलब ऑप्शन सी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन थर्ड जो है वो इनकरेक्ट रहेगा। क्लियर हुआ है? एसिडिक स्ट्रेंथ एंड pKa वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा है, और हमने भी ये भी बोला था अगर वैल्यू दी है तो उससे भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। ओके तो चलो यहाँ पे 100 क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि कितना इजी पेपर आया था नीट का, और आपके पास पेपर जो अभी भेजे है उसमें फिजिक्स भी है, शायद मैथ्स भी है उसमें शायद, तो एक बार वो भी सॉल्व करके देख लो तो समझ में आ जाएगा कि आप क्या लेवल चल रहा है पढ़ाई का, क्योंकि इससे इजी पेपर कभी नहीं आएगा, इससे इजी पेपर हो ही नहीं सकता है कोई पेपर। सीईटी नॉर्मल जो एग्जाम दोगे, बोर्ड्स की एग्जाम, उसमें भी इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते जितने यहाँ पे है अगर पढ़ाई करोगे तो। ओके तो चलो हम 6:30 बजे अपना नाइट्रोजन स्टार्ट करते, सॉरी अमाइन स्टार्ट करते। ओके चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं टाइम पे आना है। ओके चलो।
इतने आराम से ज्वाइन कर रहे हो मीटिंग, सब आराम से चल रहा है अभी भी। चलो अभी नाइट्रोजन पढ़ना है। क्लास में ऑफलाइन क्लास लेते हो तो ऑफलाइन क्लास में नहीं आते हो, ऑनलाइन क्लास है वहां पे भी आप लोगों की प्रॉब्लम है, इतने कम लोग अभी भी। क्या तुम लोग का चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ऑफलाइन में प्रॉब्लम, ऑनलाइन में प्रॉब्लम, अभी तक 5 मिनट से ऊपर हो गया, सिर्फ 12 लोग है। चलो हेडिंग डालो अमाइंस, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं अमाइंस। अभी अमाइंस पे भी अगर आप देखोगे तो नीट और जेई में एक दो क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, और बोर्ड्स के लिए अमाइंस चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही है कि अमाइंस जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, अमाइंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, उसका नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसकी प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं अमाइंस की बात करूं तो अमाइंस आर दी ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। जो अमाइंस है वो फॉर्म होते हैं अमोनिया से, किससे फॉर्म हो रहे, अमोनिया से। तो उसमें भी अमाइंस का क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वार्टनरी अमाइन। तो अमाइंस अभी ओके, तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, बट अमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। किससे फॉर्म होता है, अमोनिया से। तो अमाइंस होते किसमें है, जो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। देखो अमाइंस का एक और नाम है, अमाइंस इज आल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज अमाइंस। तो प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स है, एंड हार्मोन्स आर द नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड। क्या क्या कहा मैंने, प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है यहाँ पे, एंड हार्मोन्स, और बात कर रहे हैं हार्मोन्स। तो प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड। ये कैसे है, नेचुरली, ये तो नेचर में पाया जाता है, तो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड, दीज आर नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड। Amines are the nitrogen containing organic compound and which are fairly basic. मतलब इसका जो नेचर होता है that is a fairly basic in nature. तो why amines are basic in nature? ये हम आगे पढ़ेंगे, but आपको पता होगा कि जो amines है, nitrogen containing lone pair of electron, free electron pair, and because of free electron pair they donate electron to the other species and they are Lewis base. So amines are fairly basic in nature. Kaisa hota hai, basic hota hai. So amines are used as an intermediate in the synthesis of dye. Amines use kahan pe hota hai, uska use kya hai, kya use hai ki hum AV hi prepare kar rahe, nahi. Amines are used in an intermediate in the synthesis of dye, synthetic fiber, then agrochemical and medicinal industry also. So many drugs, many medicine are complex amine. बहुत सारे ऐसे drugs हैं, बहुत सारी ऐसी medicine हैं जो complex amines हैं. So amines occurs in both plants as well as animal. एग्जाम्पल है, अगर मैं बोलू ट्राई इथाइल अमाइन,
अकर्स इन एनिमल टिश्यू एंड निकोटीन, आप लोग जानते हो निकोटीन क्या है. तो जो ट्राई मिथाइल अमाइंस होता है अकर्स इन एनिमल टिश्यू एंड निकोटीन इन अमाइन इज फाउंड इन टोबैको. जो निकोटीन होता है वो टोबैको में होता है और उसमें अमाइंस कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं. Then trimethyl amine is used as an insect repellent. Then quaternary ammonium salt are used as a surfactant. Then diazonium salt are the intermediate in the preparation of variety of organic compound. तो बहुत important है, अपने आप में बहुत important है. तो इसकी definition क्या है, उसको हम define कैसे करेंगे? तो definition of amine is amines are the organic derivative of ammonia. इसकी definition क्या रहेगी? Amines are the derivative of ammonia. किसका derivative है? Derivative of ammonia. In which one, two, eight, two, or all the three hydrogen atom attached to nitrogen are replaced by the equivalent number of alkyl के साथ साथ आप aryl भी ले सकते हो. Add aryl group ले सकते. Amines are the derivative of ammonia in which one, two or all the three hydrogen atom attached to nitrogen atom. अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर निकालूं तो N यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H. Containing lone pair of electron. This is the structure of ammonia. ये किसका structure है? This is the structure of ammonia. तो amines are the derivative of ammonia. मतलब amines हम किससे prepare कर रहे हैं? Ammonia से prepare कर रहे हैं. In which one, two or all the three hydrogen atom. कितने hydrogen atom attached? Three hydrogen atom attached. To nitrogen are replaced by equivalent number of alkyl group. अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकाल रही हूं एक अल्काइल ग्रुप से, one hydrogen atom replaced by one alkyl group, तो यहां पे स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा? इस तरह से RNH2 containing lone pair of electron. And this is called as a primary amines. इसको हम बोलते हैं primary amines. अभी इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम निकालू दो अल्काइल ग्रुप से तो यहाँ पे क्या होगा? R, यहाँ पे N, यहाँ पे R और यहाँ पे H. तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी अमाइन. इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन. या तो मैं स्ट्रक्चर लिखू R, N, यहाँ पे R, तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिए तो दिस इज कॉल्ड एज tertiary amines. This is called as tertiary amines. So amines are the derivative of ammonia in which one, two or all the three hydrogen atom of ammonia attached to the nitrogen atom. Kisko attach hai? Nitrogen ko. Are replaced by equivalent number of same or different alkyl group. Yahan pe maine R likha hua hai. Ho sakta hai different alkyl group. This is called as a amines. इसको हम बोलते हैं amines. किससे form हो रहा है? Ammonia से. कौन-कौन से amines form हो रहे हैं? Primary, secondary, tertiary. So like ammonia, amines in the nitrogen atom undergo sp3 hybridization. यहाँ पे इतना note कर लो.
इतने कम लोग आए क्यों आज क्लास में ही आधे लोग तो इसमें से क्लास में बैठे हैं ना शायद आज प्रज्वल अभिषेक सूरज सब एक साथ अटेंड कर रहे हो क्योंकि खुद के मोबाइल नहीं लेके आए हो क्या आज कि रिचार्ज खत्म हो गया सेकेंडरी और टर्शरी में लोन पेयर हो गया ना बेटा लोन पेयर तो है ही है सेकेंडरी और टर्शरी पे लोन पेयर हो गए आज सब लोग क्या मोबाइल का ये बचा रहे हो क्या डाटा बचा रहे हो सब एक साथ अटेंड कर रहे हो मैम बैटरी खत्म हो गई अच्छा बैटरी खत्म हो गई बात झूठ बोलना था तुम लोगों से सीखे एक काम करो ना सर को बोलना चाहिए अब एक स्क्रीन जो क्लास में बैठे हो तो एक स्क्रीन पे कर दो करके शेयर कर दो ना स्क्रीन पे शेयर कर दो डायरेक्टली सब एक साथ देख लेंगे चलो हो गया राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस You can study structure of amines. Structure of amines. So structure of amines में like ammonia. Ammonia में एक nitrogen है, 3 hydrogen atom है. उसमें hybridization क्या होगा? sp3. मैं बहुत बार आप लोगों को last time में मैंने बोला था जब हमने revision किया था. केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह पे कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन आ ही जाएगा तो लाइक अमोनिया इन अमाइंस द नाइट्रोजन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये देखो नाइट्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसमें क्या है लोन पेयर तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया ये किसका स्ट्रक्चर है अमोनिया का और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेकिन अगर मैं प्राइमरी अमाइन लू यहां पे H यहां पे H कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी 3 बॉन्ड पेयर है यहां पे कितने बॉन्ड पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है और यहां पे एक लोन पेयर है तो यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 पहले समझ लू उसके बाद मैं लिख के देती हूँ तो इन अमाइंस दिस इज अ प्राइमरी अमाइंस ये कौन सा अमाइंस हो गया प्राइमरी अमाइन तो इन अमाइंस द नाइट्रोजन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम और कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ अमाइंस कि प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शरी एंड रिमेनिंग फोर्थ जो रिमेनिंग है जो फोर्थ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमाइन कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर है कितने बॉन्ड पेयर है 1, 2, 3 और एक क्या रहेगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मुझे बताओ यहाँ पे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 25 मिनट अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 25 मिनट बट यहाँ पे ये लोन पेयर है यहाँ पे बॉन्ड पेयर है एंड अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी कुछ नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो डिक्रीज होगा और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना
कितना होगा 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना होगा 107 डिग्री, मतलब बिकॉज ऑफ लोन पेयर के वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है और उसका जो शेप होगा, ये शेप कैसा होता है बेटा, ये शेप होता है पिरामिडल, ये शेप कैसा होगा पिरामिडल शेप होगा। ज्योमेट्री होनी क्या चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे जो शेप दिखाई दे रहा वो कैसा होगा पिरामिडल होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखो चलो राइट ऑन, लाइक अमोनिया, लिखो लाइक अमोनिया इन अमाइंस, लाइक अमोनिया इन अमाइंस द नाइट्रोजन अंडरगोज, द नाइट्रोजन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द नाइट्रोजन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, each of the three sp3 hybrid orbitals, of nitrogen overlaps with the orbitals of hydrogen, overlaps with the orbital of hydrogen or carbon depending upon the class of amines the remaining fourth sp3 hybrid orbital of nitrogen In all amines, contain a lone pair of electrons. Write down in next line mein likho. Like ammonia, amines have pyramidal geometry. Ammonia mein bhi pyramidal geometry hoti hai, amines mein bhi pyramidal geometry. And bond angle is less than 109 degree 28 minute. 109 degree 28 minute. Write down in next line.
नेक्स्ट लाइन में लिखो इन अलिफैटिक अमाइंस the nitrogen is attached to sp3 hybridized carbon. Nitrogen is attached to sp3 hybridized carbon of alkyl group. sp3 hybridized carbon of alkyl group and in aromatic amines two sp2 hybridized carbon. Aromatic mein kya hai? sp2. Aliphatic mein sp3. And in aromatic amines two sp2 hybridized carbon of aryl group. क्लियर हो रहा है साक्षी, आदर्श, हर्षल? चलो यू द नेक्स्ट स्टडी. क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस. Give the next study. Classification of amines. How amines are classified? तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्या कहा मैंने? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन इन अमोनिया अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन. तो यहाँ पे जब फर्स्ट अमाइन होता है first amine is called as a primary amine. Jo first hai, this is called as a primary amine. So primary amines, we can say also that first degree amine. This is also called as a first degree. So in a primary amine, only one hydrogen atom of ammonia is replaced by वन अल्काइल और अराइल ग्रुप. यहां पे अगर मैं लिखूं इन प्राइमरी अमाइंस, ओनली वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया is replaced by one alkyl group or aryl group also. जरूरी नहीं कि अल्काइल ही हो, अराइल ग्रुप भी हो सकता है. अल्काइल और अराइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप. अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें देखू फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन, सब में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है. प्राइमरी अमाइन इज NH2 ग्रुप. कौन सा ग्रुप होता है? फंक्शनल ग्रुप. जहां पे भी आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे, NH2 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप. NH2 ग्रुप को ही बोला जाता है अमाइनो ग्रुप. देखो कैसे एग्जाम्पल होगा. अगर मैं लिखूं यहाँ पे C2H5NH, आपको NH2 जहां पे भी दिखाई दे,
वो कौन सा अमाइन होगा? प्राइमरी अमाइन। तो दिस इज अ प्राइमरी अमाइन, C2H5 इथाइल हम कहते हैं, और NH2 मतलब अमाइन, तो इथाइल अमाइन। नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम, इथाइल अमाइन। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे NH2 ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग रहा है? NH2 ग्रुप लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एमिडी। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम बोथ आर एनिलीन, बोथ आर एनिलीन। क्लियर? एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है कहां से? अमोनिया से, रिप्लेस बाय वन अल्काइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी अमाइंस। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन 2 डिग्री। एट अ सेकेंडरी अमाइन, इसमें बात कर रहे हैं हम यहां पे एट सेकेंडरी अमाइन। आप पूरी डेफिनेशन लिखना, मेरे दिमाग चलाओगे वही पे कुछ कर दोगे। इन सेकेंडरी अमाइंस कितने हाइड्रोजन आइटम? 2 हाइड्रोजन एटम, ओनली तो नहीं लिखूंगी मैं, ओनली 2 तो नहीं होता। इन सेकेंडरी अमाइंस 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस बाय 2 अल्काइल ग्रुप और 2 अराइल ग्रुप। कितने से होगा? 2 अल्काइल और 2 अराइल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन इज, अगर मुझे इसमें बात करनी है सेकेंडरी अमाइन में फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन, ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन इस तरह से ग्रुप होता है NH। प्राइमरी में कौन सा ग्रुप है? NH2। सेकेंडरी में कौन सा ग्रुप रहेगा? NH। एंड दिस इज कॉल्ड एज इमिनो ग्रुप, इसको हम बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इमिनो ग्रुप। इस ग्रुप का नाम है इमिनो ग्रुप। ओके, एग्जाम्पल कैसे लिखोगे देखो। एग्जाम्पल अगर लिखना है C2H5, यहां पे NH, यहां पे भी C2H5, C2H5 by 2 NH भी आप लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज डाइथाइल अमाइन। 2 इथाइल ग्रुप है, डाइथाइल, और इसको हम बोलेंगे अमाइन, डाइथाइल अमाइन। जहां पे आपको NH दिखाई दे समझ जाना सेकेंडरी है, जहां पे आपको NH2 दिखाई दे समझ जाना वो प्राइमरी है। मैडम थर्ड, आप तो थर्ड लिख सकते हो अभी, टर्शियरी। नेक्स्ट इज टर्शियरी। क्या लिखोगे टर्शियरी में? लिख सकते हो, लिखो टर्शियरी का, खुद ही करो। मैम एक मिनट रुको। हाँ रुक रही मैं, बाकी लोग जिनका हो गया वो टर्शियरी का लिखना स्टार्ट करो। लिख लिया टर्शियरी में, इन टर्शियरी अमाइन ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय 3 सेम और डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? नाइट्रोजन एटम। फंक्शनल ग्रुप होगा नाइट्रोजन, पहले में अमोनिया, सेकेंड में इमिनो, एंड टर्शियरी नाइट्रोजन एटम होता है।
दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी नाइट्रोजन एटम. मिनरल टर्शियरी का फंक्शनल ग्रुप ये है, टर्शियरी नाइट्रोजन एटम, सिंपल N. कैसा लिखा रहेगा स्ट्रक्चर देखो, तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप से, यहाँ पे N, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5. तो सिंपल एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, नाइट्रोजन, टर्शियरी नाइट्रोजन. ओके मिनरल, लिख लिया है सबने सेकेंडरी और टर्शियरी. चलो अभी यहाँ पे जो सेकेंडरी और टर्शियरी है वो भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. इसका नाम क्या होगा, कितने इथाइल ग्रुप है, ट्राई इथाइल अमाइन, उसका आईयूपीएसी नेम भी पढ़ते हम आगे, आईयूपीएसी नेम भी हम देखने वाले, रुको इसके बाद नॉमेनक्लेचर ही पढ़ेंगे. अभी यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन आर फर्दर क्लासिफाइड एज, राइट डाउन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन are further classified as. इसका further classification होता है, yes नितिन, इसका common name है. पहला simple और symmetrical amine. simple amine is also called as सिमेट्रिकल अमाइंस. सिंपल अमाइंस को ही हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल अमाइन. तो व्हाट इज मीन बाय सिंपल अमाइन और सिमेट्रिकल अमाइन. तो इन अ सिंपल अमाइन सेम अल्काइल ग्रुप आर अटैच. इन सिंपल अमाइंस, इन सिंपल अमाइन same alkyl group किसको अटैच होंगे, are attached to nitrogen. अगर सेम अल्काइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम आर कॉल्ड एज सिंपल अमाइन. देखो यहाँ पे C2H5 NH अगेन C2H5, NH ग्रुप लगा है मतलब सेकेंडरी अमाइन होगा, और इसका नाम क्या होगा, दो सेम अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप कैसे बेटा सेम है, दिस इज कॉल्ड एज डाइइथाइल अमाइन. इसको हम बोलते हैं डाइइथाइल अमाइन, सेम अल्काइल ग्रुप अटैच. अगर मैं टर्शियरी का एग्जांपल लू तो CH3 यहाँ पे N, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइमिथाइल अमाइन. ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइमिथाइल अमाइन, और ये भी कौन सा है, ये भी सिंपल है, ये भी क्या रहेगा, सिंपल. अभी यहां पे सेकेंड अगर मैं बोलू दैट इज अ मिक्स अमाइन, मिक्स, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अमाइन, अनसिमेट्रिकल अमाइन. तो मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन क्या होगा, इन मिक्स अमाइन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम. अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन एटम को, that is called as a mixed or unsymmetrical, isi ko hum alkyl group attached to the nitrogen. Example upar likho,
चलो इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख रही हूँ, बाकी लिखो आप लोग एग्जाम्पल। क्या लिखू यहाँ पे? अगर मैं लिखू यहाँ पे सेकेंडरी का CH3 NH, और यहाँ पे लिखा है मैंने C2H5। एक ग्रुप है इथाइल, दूसरा ग्रुप है मिथाइल। अल्फाबेटिकली ये पहले आता है तो इथाइल मिथाइल, और ये हो जाएगा अमाइन। इथाइल मिथाइल अमाइन। अगर मैंने इस तरह से लिखा है C2H5, यहाँ पे NH N लिख देती हूँ, ठीक है, टर्शरी वाला एग्जाम्पल कर देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं कर दू C2H5 कर दू C2H5, और यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच है। That's why this is called as a tertiary amine. This is called as a mixed or unsymmetrical amine. Mixed or unsymmetrical amine. लिख लो। यहां तक किसी को डाउट है? एक बार पढ़ लो, जो नहीं समझ में आए पूछो जल्दी से। अभय, सूरज और कौन कौन है? प्रज्वल और कितने लोग एक साथ? अभिषेक भी है। टोटल कितने? चार है मैम। चार लोग टोटल। और मैकेनिज्म वगैरह सब चले गए ना? डाइइथाइल मिथाइल अमाइन, यस मिनट। और बाकी मैकेनिज्म HBZ, और आज तो नया कुछ लेके आया था, सब चले गए ना। मेरे अभी IPC नॉमिनेटर लेंगे, उसमें सब एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो एक नोट करके लिखो, राइट डाउन नोट, एक नोट करके लिखो, कंफ्यूजन कहां पे आपको आएगा, राइट डाउन नोट। इट शुड बी नोटेड दैट, राइट डाउन नोट, इट शुड बी नोटेड दैट अल्कोहल्स और अल्काइल हलाइड आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन दी degree of substitution at the carbon atom that bears the functional group, whereas amines are classified. Depending upon the degree of substitution
एट द नाइट्रोजन एटम, एट द नाइट्रोजन एटम. एग्जाम्पल दिखाती हूँ किस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओ. अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा ही है CH3, यहां पे CH3, यहां पे OH और यहां पे लगा दिया CH3. यहां पे फंक्शनल ग्रुप OH और एक कार्बन, कितने कार्बन को अटैच है, 1, 2, 3, दैट इज अ टर्शियरी कार्बन एटम. तो इन अल्कोहल्स या इन अल्काइल हैलाइड आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बन एटम दैट बियर फंक्शनल ग्रुप. मतलब अल्कोहल में और अल्काइल हैलाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन को अटैच है उसके बेसिस पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं. तो ये हो जाएगा टर्शियरी, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल, और ये हो जाएगा अल्कोहल. टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल. ये कौन सा अल्कोहल है, दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल. लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं CH3, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये लिखती हूँ C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और मैंने यहाँ पे लिख दिया NH2. अभी आप बोलो कि ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन को अटैच है तो ये तो टर्शियरी आएगा. नाम लिखते हुए टर्शियरी, 4 कार्बन है ब्यूटाइल लेकिन ये अमाइन है. बट ये टर्शियरी अमाइन नहीं होगा, ये कौन सा अमाइन है, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन. क्या बात समझ में आ रही है, दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल तो ये टर्शियरी अमाइन नहीं होगा. यहाँ पे आपको देखना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. अगर NH2 है तो प्राइमरी, NH रहेगा तो सेकेंडरी, और सिंपल N है तो दैट इज अ टर्शियरी. यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, ये रहेगा CH3 और यहाँ पे CH3. This is a trimethyl amine and trimethyl amine is a tertiary amine. ये होगा tertiary amine. Clear हो रहा है? तो जो अल्कोहल को क्लासिफाई करोगे, अल्काइल हैलाइड को क्लासिफाई करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बन एटम दैट बियर्स फंक्शनल ग्रुप, वेयर एज अमाइंस आर क्लासिफाइड depending upon the degree of substitution at the nitrogen atom. Amines जब भी देखोगे कौन सा functional group लगा है, NH2 लगा है तो primary, NH लगा है तो secondary, और simple N लगा हुआ है, इस तरह से structure है, that is called as a tertiary. Clear? Example लिखो. डन हो गया है. गुड नाइट सर. नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस लिख लिया सबने. Nomenclature of amines. तो कॉमन नेम
यहाँ पे दो तरह के नाम करेंगे आप, एक तो हम लिखेंगे कॉमन नेम एंड सेकेंड वन इज IUPAC या IUPAC. The aliphatic amines are named as alkyl amine. इसका nomenclature कैसे होगा? This is a alkyl amine. जो भी aliphatic amines है are named as a alkyl amine. And common name of aliphatic amines is obtained by writing the name of alkyl group. जो भी alkyl group होगा followed by the word amine. Ethyl amine, methyl amine, propanamine, all these are the common name. अभी secondary और tertiary में, क्योंकि aliphatic जो primary amine है, उसमें एक ही alkyl group है. But in a secondary and tertiary amines, the name of alkyl groups are entered in a alphabetical order. अगर मैं secondary amine ले रही हूँ, या मैं tertiary amines की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे नेम ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमें नाम देना है. मतलब इथाइल पहले आएगा, उसके बाद मिथाइल आएगा. अगर दो सेम ग्रुप अटैच है, दिस इज अ डाई. अगर तीन ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राई एंड सो. तो यहाँ पे जो IUPAC नेम है, IUPAC का नोमेनक्लेचर करना है अल्केनामाइन. अगर सिंगल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एज अल्केनामाइन. इसे नॉमिनेचर करोगे अल्केना माइन से, इसका नॉमिनेचर करोगे. चलो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अमाइन से. फर्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे. पहला एग्जांपल सिंपल, CH3NH2. क्या लिखा मैंने? CH3NH2. दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल अमाइन. ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल अमाइन. एक अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, फॉलोड बाय अमाइन, मिथाइल अमाइन. एंड दिस इज कॉल्ड एज मिथेनामाइन. दिस इज कॉल्ड एज मिथेनामाइन. ओके, उसके बाद देखो सेकेंड वाला कंपाउंड, CH2, यहां पे NH. CH3, CH2, NH2. This is called as, दो कार्बन है जो इथाइल फॉलोड बाय अमाइन, इथाइल अमाइन. और यहां पे कॉमन IUPAC नेम क्या होगा? इथेनामाइन. दो कार्बन है अल्केनामाइन, तो इसको हम लिखेंगे इथेनामाइन. थर्ड नंबर CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे होगा NH2. तो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट चेन है, तीन कार्बन है, तो N-propyl और यहाँ पे होगा अमाइन, N-propyl अमाइन. तो या तो इसको हम लिखेंगे प्रोपेन सिंगल बॉन्ड, E रिप्लेस कर देना वन और यहाँ पे अमाइन. प्रोपेनामाइन भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोपेन वन अमाइन, प्रोपेनामाइन कुछ भी लिख सकते हो. नंबर फोर्थ, CH3 और यहाँ पे NH. ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ आइसो ग्रुप. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ आइसो ग्रुप. तो दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल. ये होता है आइसोप्रोपाइल अमाइन. अभी नोमेनक्लेचर करो, 1, 2, 3. लॉन्गेस्ट चेन 3 की आ रही है और 2 पे कौन सा ग्रुप है? अमाइन ग्रुप अटैच है. तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन 2 अमाइन. ये होगा प्रोपेन 2 अमाइन. चलो पहले इतना लिखो. ये सिंपल एग्जांपल है जिसपे हमें प्रिपरेशन देखनी है. तब तक लिखो.
चलो हो गया भी। ये सब किसके बारे में चल रहा है? प्राइमरी अमाइंस के बारे में। उसके बाद अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा H2N CH2 और यहां पे NH2, कितने अमाइन ग्रुप है? दो अमाइन ग्रुप है। तो दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन डाइअमाइन। दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम याद रखो, दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन। ये होता है इथाइलिन डाइअमाइन। या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इथेन 1,2 डाइअमाइन। दो कार्बन है 1,2, तो ये हो जाएगा इथेन। एक वन पे टू पे दो अमाइन है, तो दिस इज अ डाई अमाइन। दिखाई दे रहा है ना उधर का? इथेन 1,2 डाई अमाइन। उसके बाद अगर मैंने लिखा है H2N CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे है CH3। अभी नंबरिंग करोगे तो जहां से अमाइन ग्रुप पास में वहीं से नंबर करोगे, वन यहाँ पे टू और यहाँ पे हो जाएगा थ्री। तो दिस इज कॉल्ड एज अलाइल अमाइन। अलाइल ग्रुप पता है सबको? अलाइल ग्रुप पता है? इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू बी अलाइल ग्रुप, मैंने बताया था अलाइलिक विनाइलिक एंड बेंजाइलिक। व्हाट इज मीन बाय अलाइलिक? इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को एटम को अटैच है और उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अलाइल ग्रुप। एनी फंक्शनल ग्रुप लाइक क्लोरो लाइक अल्कोहल ग्रुप या अमाइन ग्रुप attached to the sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond, that is called as a allyl group. usko hum bolte hain allyl group. so this is called as a allyl amine. isko bolenge allyl amine. nomenclature are you facing nomenclature kaise karoge? kitne carbon hai? pro teen carbon hai to ye ho jayega pro. two pe double bond hai to 2-ene aa jayega. टू पे क्या है? डबल बॉन्ड 2e और वन पे अमाइन है, तो ये हो जाएगा 1 अमाइन। प्रो 2-ene 1 अमाइन। प्रो 2-ene 1 अमाइन। उसके बाद देखो ये ग्रुप, ये तो अभी मैंने बताया बेंजीन रिंग है और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज एनिल। यहाँ पे इसको इसका नाम अच्छे से याद रखना एनिल। And this is also called as phenyl amine. C6H5 phenyl और ये हो जाता है अमाइन। Phenyl amine हो जाएगा। या इसी को हम बोलते हैं एनिल। IUPAC name भी एनिल। But this is just called as benzenamine. Benzenamine. This is called as a benzenamine. ये थोड़ा सा ऊपर वाला खाली कर देती हूँ मैं। साक्षी समझ में आ रहा है? अभय अभिषेक समझ में आ रहा है? ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लगता तो नहीं है। अगर क्लास में ध्यान नहीं देते हो तो यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे और एक साथ क्लास अटेंड कर रहे हो। मेगा क्लियर हो रहा है? प्रीति स्नेहा चल। अभी ये कंपाउंड अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड इस तरह से देखो, ये कुछ कंपाउंड है जिसके नाम याद रखने, यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है, ये तो हो गया एनिलीन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है। अगर सिंपल NH2 ग्रुप लगा है तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। सिंपल CH3 ग्रुप लगा होता तो उसको टोलीन कहते हैं। दोनों को कंबाइन कर दो। ऑर्थो पे ये कौन सी पोजीशन है? दिस इज द ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पे टोलीन है,
तो इसको हम बोलते हैं टोली डी, टोली यहाँ पे आई डी आर एल, ये कंपाउंड दोनों को कंबाइन कर दिया, टी एल यू आर डी आई एन ई, टोली डी। अभी यहाँ पे देखो नंबर वन और टू, टू पे अमाइनो ग्रुप है, टू अमाइनो, सेकेंड पे अमाइनो ग्रुप है और बाकी क्या रहेगा टोली, टू अमाइनो टोली, ये बाकी रब कर दो। यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप लगा है, NH2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लो हेक्साइल अमाइन, ये होगा साइक्लो हेक्साइल अमाइन, या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज साइक्लो हेक्सेनामाइन, साइक्लिक रिंग है, अल्टरनेट डबल। देखो अगर आप लोग गलती से भी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड देना भूल जाते हो तो कंपाउंड साइक्लोहेक्साइल होगा, वो एनिलीन नहीं होगा। जब भी एनिलीन लिखोगे अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड लिखना जरूरी है, अगर वो भूल जाओगे तो नाम ही चेंज हो जाएगा और हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। जो गलती आप हमेशा करते हो, हमेशा गलती करते रहते, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सब प्राइमरी के चल रहे हैं, सब में NH2 ग्रुप है, सब में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें देखो भी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे NH2, this is called as benzyl amine, ye hai benzyl amine, and this is also called as, ye kaun si ring hai, C6H5, this ring is called as a phenyl ring, sab log jante ho, so this is called as a phenyl ring, ke bahar kitne carbon hai, ek carbon, ek carbon hai matlab methane, amine group attached hai to phenyl मिथेनामाइन, फिनाइल मिथेनामाइन। तो जितने भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सब कौन से एग्जाम्पल है, प्राइमरी अमाइन, सब में NH2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे कुछ नोमेनक्लेचर है कि जो IUPAC ने भी एक्सेप्टेड कर लिए, जो कॉमन नेम है लेकिन वो IUPAC भी फॉलो करता है, जैसे एनिलीन हो गया, टोलीन हो गया है, एनिसोल हो गया है, ये सब ऐसे कंपाउंड है उसका IUPAC और कॉमन नेम सेम होता है, इसीलिए मिनल। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी अमाइन, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, इमिनो, सेकेंडरी अमाइन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, इमिनो। एग्जाम्पल क्या लूंगी यहाँ पे, CH3, यहाँ पे NH और यहाँ पे है CH3, दो अल्काइल ग्रुप है, मतलब क्या आ जाएगा, डाय, सेम अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे डाय मिथाइल, ये हो जाएगा अमाइन, डाय मिथाइल अमाइन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो इसका अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं N, N मतलब नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, N मतलब नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, तो N यहां पे अल्काइल अल्केनामाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्काइल अल्केनामाइन लिखेंगे, यहां पे मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है, तो यहां पे हम लिखेंगे N मिथाइल
एंड मिथाइल मिथेनामाइड एंड मिथाइल मिथेनामाइड. क्लियर हो रहा है? अभी चेंज कर रही हूं मैं यहां पर. देखो एक मैंने लिखा सी एच थ्री एन एच सी एच टू और यहां पे है सी एच थ्री. यहां पे क्या लिखा मैंने? सी एच थ्री. अभी एक मिथाइल है और एक इथाइल है. एक मिथाइल है और दूसरा क्या है? इथाइल है. अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो इथाइल क्यों लिखा? समझ में आया? अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो इथाइल मिथाइल अमाइन हो जाएगा. इथाइल अल्केनामाइन लेना है हमें. तो क्या हम इथेनामाइन लेंगे या मिथेनामाइन लेंगे? क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप अटैच है. एक इथाइल है और दूसरा मिथाइल. तो यहाँ पे जो लार्जर कार्बन होते हैं उसको पैरेंट कंसीडर करता जो लार्जर होते हैं. तो दिस इज एन मिथाइल और ये हो जाएगा इथेनामाइड. एन मिथाइल इथेनामाइड. क्लियर हो रहा है? जो लार्जर ग्रुप है एच फाइव एन एच और यहां पे भी सिक्स एच फाइव. तो C6H5 इज अ फिनिथीन. ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है. N रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड. अगर एक ही N लिखा हुआ है मतलब सेकेंडरी अमाइन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड. यहाँ पे C6H5 फिनाइल है. ये भी फिनाइल है तो ये हो जाएगा डाइफिनाइल और यहाँ पे आ जाएगा अमाइन. डाइफिनाइल अमाइन और यहां पे हम लिखेंगे एन फिनाइल और लास्ट में क्या होगा? एनएच टू ग्रुप है मतलब एनिलीन हो सकता है. एन फिनाइल एनिलीन या इसी को हम लिख सकते हैं एन फिनाइल बेंजीनामाइड. एन फिनाइल बेंजीनामाइड. एन क्यों लिखा? जब भी सिंगल एन रहेगा दैट इज अ सेकेंडरी. सिंगल एन है मतलब कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन है. नोट कर लो. एनएच से समझ में आ रहा है दिस इज सेकेंडरी. हो गया. नेक्स्ट डालो टर्शियरी अमाइन. तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राई मिथाइल.
ट्राइमिथाइल, दिस इज द ट्राइमिथाइल अमाइन, अल्काइल लिखो तो डाइमिथाइल हो जाएगा, ये क्या हो गया डाइमिथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे मिथेनामाइन। डाइमिथाइल मिथेनामाइन, सेकेंडरी में हमने एक ही एन लिखा था, टर्शियरी में दो एन लिखना है, एन एन डाय अल्काइल अल्केनामाइन, तो यहाँ पे एन एन डाय मिथाइल मिथेनामाइन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, C2H5 and C2H5, और यहाँ पे भी है C2H5। अभी यहाँ पे हम बोलते हैं दिस इज अ ट्राई इथाइल, ये क्या है ट्राई इथाइल, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे अमाइन, इसको कैसे लिखोगे एन एन, टर्शियरी है इससे दो बार एन एन एन, ये हो जाएगा सिंपल डाइइथाइल इथेनामाइन, डाइइथाइल इथेनामाइन। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, C2H5 CH3, क्या आएगा इसका अल्फाबेटिकली, पहले क्या आता है दो इथाइल ग्रुप है, एक इथाइल है दो मिथाइल है, एक इथाइल है दो मिथाइल है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या होगा? अगर मैं अल्फाबेटिकली यहाँ पे देखूं तो पहले इथाइल आता है, पहले आएगा इथाइल, गुड मिनट, उसके बाद क्या आएगा डाइमिथाइल, इथाइल डाइमिथाइल, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं अमाइन, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। चल यहां पे नॉमिनेशन करते हैं एन एन, आगे बताओ क्या होगा, आगे बोलो, किसी को नहीं आ रहा है एन एन क्या आएगा? गुड निधि, गुड सेमी, सही से लिखना इथेनामाइन, इथेना निधि सही से स्पेलिंग लिखो इथेनामाइन, स्पेलिंग गलत होगी तो नॉमिनेशन गलत होगा, यहाँ पे होगा एन एन डाई मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है डाइमिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। मिनल गलत नहीं हो रहा है, इथाइल पहले भी लगा रही हो लास्ट में भी लगा रही हो, गलत हो रहा है ना बेटा, वो तो तुमने पहले भी लगाया फिर लास्ट में भी लगाया, दो हो गए ना डाइमिथाइल और एक लास्ट में थे ना माइन, पहला इथाइल नहीं आएगा, क्लियर हुआ है डाइमिथाइल इथेनामाइन, उसके बाद देखो C2H5 and C2H5, यहाँ पे सी एच, अल्फाबेटिकली जहां पे मैंने कहा अल्काइल अल्केनामाइन,
तो जो अल्केनामाइन आएगा ना वो लॉन्गेस्ट चेन होगी, मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा है वो अल्केनामाइन होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिर्फ आपको कॉमन नेम में ही फॉलो करना है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ कॉमन नेम में, आईयूपीएसी में नहीं। और हम अभी किसका पूछा था, मैंने आईयूपीएसी का पूछा था। चलो इसका करो, C2H5 एंड C2H5 और यहाँ पे CH3। पहले कॉमन नेम बताओ। चलो बाकी लोग मैसेज करो, मतलब दिमाग में आए कि नॉमिन के जो कैसे करना है। गुड नीति, लिखो, मैसेज करो मुझे, लिख के भेजो, तब समझ में आएगा। आदर्श, अभिजीत, अभिषेक, सूरज, साक्षी, संकेत, लिखो। क्या होगा यहाँ पे, एक इथाइल यहाँ पे, एक इथाइल यहाँ पे, मिथाइल है। मिनरल गलत हो रहा है, चलो इसका नाम देखते हैं, आईयूपीएसी गलत हो रहा है। यहाँ पे तो ये सबको समझ में आ गया, अल्फाबेटिकली डाइथाइल और ये हो जाएगा मिथेनामाइन। डाइथाइल मिथाइल अमाइन, बट इसका क्या करना है, आईयूपीएसी नॉमिनेशन। तो अल्फाबेटिकली पहले ई आता है, तो पहले ई लिख लो, अभी लिख लो, देखो अभी ये करोगे एन इथाइल, क्योंकि डाई इथेनामाइन नहीं लिखते हम, यहाँ पे डाई इथेनामाइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ इथेनामाइन, अल्केनामाइन। तो एन इथाइल, उसके बाद एन लिखोगे मिथाइल, एक इथाइल ग्रुप है एक मिथाइल ग्रुप है, दोनों को एन एन कर दिया, और जो लॉन्गेस्ट है वो आपका क्या रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज इथेनामाइन, ये होता है इथेना, इथेनामाइन। सही है, स्पेलिंग तो सही है ना, चेक कर लो, इथेनामाइन। तो एन इथाइल, पहले इथाइल को अलग लिखो, एन मिथाइल और लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पे, अल्केनामाइन, मतलब इथेनामाइन। उसके बाद लिखो C6H5 एंड यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। क्या आएगा इसका नाम, क्या रहेगा इसका नॉमेनक्लेचर, दो मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल, ये हो जाएगा डाई मिथाइल, और यहाँ पे C6H5 ग्रुप जो लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। डाई मिथाइल ये हो जाएगा एनिलीन, और यहाँ पे लिखना है तो एन एन, ये भी हो जाएगा डाइमिथाइल एनिलीन। अभी देखो दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे मैंने एन एन नहीं लगाया था, आप कॉमन नेम में भी एन और एन एन लगा सकते हो, आप कॉमन नेम में भी एन एन या एन सिंपल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बुक में, कुछ बुक में लगा होता है कॉमन नेम में भी एन और एन एन लगा है, कुछ बुक में नहीं होता है, कुछ बुक में सिर्फ आईयूपीएससी को बताया है, बट अगर आपको चाहिए तो आप लगा भी सकते हो कॉमन नेम और आईयूपीएससी दोनों, इसमें कुछ बुक में दिया हुआ।
तो ये हो गया आपका नॉमिनक्लेचर, ये हो गया आपका नॉमिनक्लेचर। तो एक बार स्टार्टिंग से पढ़ोगे नॉमिनक्लेचर से, स्टार्टिंग से अमाइन से जो हमने स्टार्ट किया था, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमने देखा है नॉमिनक्लेचर। स्टार्ट करो, और कोई भी डाउट है, कोई रिएक्शन या कोई नॉमिनक्लेचर नहीं समझ में आया है तो पूछना है। मीटिंग को रिमूव नहीं करना, मीटिंग मत करना। पढ़ने के लिए कहा है स्टार्टिंग से पढ़ो, और कोई डाउट है तो पूछो। अभी हमने कौन ये वाला देखो, यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि एन मिथाइल डाई इथेनामाइन, हम नहीं लिखेंगे। हमारा जो नॉमेनक्लेचर होता है अल्काइल अल्केनामाइन होता है, अल्काइल अल्केनामाइन। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कंपाउंड आया, अभी डाई इथेनामाइन तो लिखेंगे नहीं, तो पहले मैंने अल्फाबेटिकली को एक एन दे दिया, एन इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता, तो एन इथाइल, फिर मिथाइल को एक एन दे दिया, एन मिथाइल, और एक कार्बन बचा हुआ मतलब एक इथेन वाली चेन बची है तो उसको मैंने अमाइन लगा दिया, बस एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन हो गया। अगर ऐसा कभी कंपाउंड आता है जो पैरेंट चेन डाई वाली बनानी पड़े तो नहीं बनाना, अल्फाबेटिकली पहले दोनों को अरेंज कर दो और एक अल्केनामाइन जो लॉन्गेस्ट चेन वाला उसको अरेंज कर दो। ओके नितिन, और किसी को कुछ नहीं समझ में आया है? आदर्श, साक्षी, क्लियर हुआ है नॉमिन? प्रीति, स्नेहा, कोई डाउट है? पढ़ लो एक बार, ऐसे नहीं पढ़ के डाउट पूछो मुझे। सूरज, क्लियर हो रहा है कि साथ में बैठे हो तो सिर्फ मस्ती में टाइम जा रहा होगा? ऑल क्लियर? और जब मैं पूछती हूँ तो रिएक्शन के नाम याद नहीं रहते, रिएक्शन तो छोड़ो, रिएक्शन के नाम भी याद नहीं रहते, है ना प्रज्वल? आज आदर्श नहीं आया क्या? आदर्श तो आया है, अथर्व नहीं आया ना? और जो मैकेनिज्म थे, जो स्नेहा, नेहा, मेघा, ऑल क्लियर? कोई डाउट नहीं है? बाद में फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो बोलना मत कि नहीं हुआ, ये नहीं लिखने आ रहा है। जो बाकी छोड़ चुके उसको छोड़ो अभी, मतलब उसको छोड़ना नहीं है, बट जो अभी हम कर रहे हैं उसको अच्छे से उसी टाइम में कर लो, टाइम बचेगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर
चलो तो नेक्स्ट टाइम फिर हम नेक्स्ट टाइम हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. ओके नेक्स्ट टाइम मतलब शायद वेनसडे. तो वेनसडे हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस. ओके चलो फिर बाय एवरीवन. चलो बाय बाय.